आपको एक साथी दिया जाता जब आप मसीह में आते हो, कौन है वो? होली स्पिरिट। वो ऐसा साथी है जो परमेश्वर के बारे में जानता है। आपकी मम्मी आपको इतना नहीं जानती जितना आप अपने आप को जानते हैं, हाँ? आपका बाप नहीं जानता, आपके बच्चे नहीं जानते, आपकी वाइफ भी नहीं जानती रियल आप कौन है 100%। कोई 80% जान सकता है, आपकी वाइफ आपको 90 जान सकती है, आपका बेटा आपको 70 जान सकता है, आपकी माँ आपको 90-85 जान सकती है, लेकिन आपको 100% आप जानते हैं। परमेश्वर को 100% सिर्फ उसका आत्मा जानता है, और जब वो आत्मा आपके साथ रहता है आपकी लाइफ चेंज होना शुरू होती। क्यों? आपको एक मददगार दिया गया। कौन है वो? और मदद केड़ी है वो? और पवित्र आत्मा की मदद है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। जब आप दुखी होते हो या परीक्षा के दिनों में होते हो, आपको खड़ा रहना सिखाता है, आपको अंदर से ताकत देता है, आपको शारीरिक ताकत भी देता है, आपको दृढ़ता देता है। अगर होली स्पिरिट आपके पास नहीं तो बाइबल कहती है आप उसके जन नहीं। गाइड करने वाला कौन है? स्पिरिट, होली स्पिरिट। वो आपको जब गाइड करेगा, आहा हा हा, आपको किसी की जरूरत नहीं अपने आसपास। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपको बच्चों को चलाना है, यूथ को चलाना है, जवान बच्चों को गाइड करना है, आपके बस की बात नहीं अगर होली स्पिरिट आपके साथ नहीं। होली स्पिरिट आपकी ब्लेसिंग को संभालने में आपकी मदद करेगा। आपके पास अच्छा घर है, अच्छी वाइफ मिल गई, अच्छा हस्बैंड मिल गया, अच्छे बच्चे हो गए, पर उनको संभालना ये पॉसिबल नहीं बिना पवित्र आत्मा के। इसलिए लोग बोलते हैं शादी पहले हुई थी बहुत अच्छी थी जी, वाइफ हस्बैंड बड़ा अच्छा था जी, 2 साल बाद पता नहीं क्यों है जी लड़ाई होने लग गई साढ़े आपस। रीजन क्या है? जब होली स्पिरिट बीच में नहीं होता तो ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती, शैतान उनको श्रापित श्राप में बदल देता है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता है, शांति को वो खराब कर देता है, जीरो कर देते हैं, आपको नेगेटिव में लेके चला जाता है जब पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होता। कौन था दाऊद के साथ कि 66 लड़ाइयां लड़के 66 लड़ाइयां जीत के वो पूरी उम्र का बुढ़ा होके, इतना बुढ़ा होके कि कपड़े भी उसको गर्म नहीं कर पाते थे, पूरी उम्र का होके परमेश्वर के पास गया, जबकि एक राजे की जिंदगी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी क्यों नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एक लड़ाई लड़ता है देश, पिछड़ जाता है 30 साल, फाइनेंस कम हो जाता है उसका, हां लाखों सैनिक मर जाते हैं, लाखों जिंदगियां प्रभावित हो जाती हैं, हां? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक लड़ाई होती तो देश पीछे जाता है, कड़वाहट पैदा होती, और एक राजा 66 लड़ाइयां लड़ता है और फाइनेंशियली पीछे नहीं जाता। आपको क्या लगता है लड़ाई ऐसे ही हो जाती? आज की लड़ाई और तब की लड़ाई में कोई फर्क नहीं है। आज बम्बों से लड़ते थे तो पहले तलवारों से, रथों से, घोड़ों से लड़ते थे, पैसा लगता था, हा या ना? फाइनेंस लगता था। तो एक देश एक लड़ाई लड़े, दो लड़े, तीन लड़े, और 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीत के फाइनेंशियली फिर भी ब्लेस रहे और उसका राजा सही सलामत रहे, आपको क्या लगता है क्या था ये? दाऊद कहता था परमेश्वर यहां जाना है, सामने लड़ना है, कहां कैसे जाऊं? परमेश्वर बोलता था सामने से जा। अगली लड़ाई परमेश्वर मैं सामने से जा रहा हूं, परमेश्वर रुक जा इस लड़ाई में घूम के जा। तीसरी लड़ाई, अच्छा उसे मालूम हो गया था कि हर लड़ाई में मुझे पवित्र आत्मा की बात की, उसकी गाइडेंस की, उसकी हर पवित्र आत्मा की बात अगर मुझे नहीं मिलेगी मैं लड़ाई जीत नहीं सकता हूं। हर लड़ाई में जाने से पहले प्रभु उससे बात करता था, यह उसका सीक्रेट था जीतने का। We'll be right back.